फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो मैं तैयार शार हो गया जाने के लिए। वो जो शादी है आपको पता, आपने व्लॉग तो देख लिया होगा, आज उसकी बरात और वलीमा में रेडी शेडी हो गया। जो मैंने आपका सूट दिखाया था वो मैंने पहन लिया, ये स्टर्ट भी पहने हुए हैं और ऊपर से सारा देखे नीचे तक ये तिल्ले वाली चप्पल है। तिल्ले वाली चप्पल अब्बू की है लेकिन वो हम इकट्ठे पहन लेते हैं। और वॉच भी मैंने पहनी हुई है, ये ली थी रोलेक्स वालों की शायद है, तो ये भी मैंने पहनी हुई है। बाहर गाड़ी रेडी है लेकिन मैं जाऊंगा मोटरसाइकिल पे, तो मैं जाता हूं उधर जल्दी से। बारात भी है, वलीमा भी इकट्ठा है, खाना भी इकट्ठा है। और पहले आप मेरी गाड़ी देखे सारा कैसा मैं तैयार हुआ हूँ, तो कमेंट सेक्शन में भी आपने ज़रूर बताना है कि मैं कैसे तैयार हुआ। और अब जलते जाते हैं जल्दी जल्दी से, तो साथ एक लड़का और भी जाएगा मेरे साथ बाइक पे। तो वो दो घर वाले हैं वो सारे कार पे जाएंगे, क्योंकि वो सारा घर का हिसाब होता है, वो सारे कार पे जाएंगे लेकिन मैं जाऊंगा बाइक पे। और मेरे साथ एक दोस्त चाचू है मेरा, तो वो भी मेरे साथ बाइक पे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से जाते हैं। पहले मेरी वो वाच जो मैंने पहनी हुई है, ये तिल्ले वाली जूती जो अब्बू की है, लेकिन ये देखें मुझे बिल्कुल फिट पड़ी है, पूरी है, लेकिन अब्बू की नहीं, ये मेरी, हम इकट्ठी पहन लेते हैं। और अब जल्दी जल्दी से 1000 years later ये है उस गांव का सीन जिस गांव में है शादी। इस गांव का नाम है 376 गाफ बेचूंग बटवा, और ये है सारा और सीन। और ये साथ मेरे जरार भाई, उस्मान भाई और सनी। तो हमने खाना खा लिया है और अब बाहर वाक की तरफ निकले थे। हमने कहा कि खाना पीना तो होता ही है और वाक भी ज़रूरी होती है, इसलिए गांव की सैर के लिए भी बाहर निकले थे कि ये जी ये हम वाक के लिए आए हैं। ये जो आप साथ दीवार देख रहे हैं ये स्कूल की है, गवर्नमेंट स्कूल। अभी आ गया हूँ और अब अपने घर में बैठा हुआ हूँ।
अब तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं। वो अपने काम भी देख लिया होगा, वो पहले आया था काम वो सारा करके चले गया था, लेकिन थोड़ा सा एक दो दिनों का काम रहता था वो चले गया था। अब आज वो वापस आया है तो वो सारा काम करवा रहे थे। तो अब मेरे सोने का टाइम हो गया, कल छोटा मोटा टेस्ट भी है वो भी याद कर लिया। तो यही पर ही अपने ब्लॉग का दीजिए खत्म, मुझे दीजिए इजाज़त। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने कभी भी नहीं भूलना, मुझे दुआ में याद रखना। मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉग लाता रहूँगा और आपने मोहब्बत शेयर करते रहना। अल्लाह।